गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं धर्म सिंह चौधरी पावर माइंड के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखो भाई, 8 से 10 क्लासें हो जाती है मॉर्निंग से लेके, तो थोड़ा आवाज़ बैठ जाता है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आवाज़ सो क्लियर रखने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है भाई, ठीक है। तो अपन चीज़ें समझेंगे, अपन आगे परसेंटेज को कंटिन्यू करते हैं कि आगे परसेंटेज जिस तरीके से आपको बताया था, मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि आप परसेंटेज को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ये जो सिलेक्शन वाली चीज़ें हैं ना भाई, देखो पहली बात एक बात बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन वाला जो है ना, कि ये एक तो क्या है ना कि मार्केट में हवा बना रखा है सबने कि सिलेक्शन लेना हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। बस चीज़ों को अच्छे से समझ के करते रहिए आप, बस मैं यही चाहता हूँ। मतलब कहने के लिए भीड़ है कि इतने लाख लोग पेपर देने बैठते हैं, ये बैठते हैं, मुश्किल से 1 या 2 लाख लोग ऐसे होते हैं जिनमें कंपटीशन होता है, ठीक है, और आपको उनमें से ही होना है, ठीक है। बाकी सब लोग जो आए हैं वो भीड़ बढ़ाने आए हैं, समझ रहे हैं। तो अपन आगे देखते हैं, चीज़ों को समझेंगे किस तरीके से। तो आपने कहा पहला जो सवाल अगर मैं कहूँ पहला सवाल जिस तरह जहाँ से अपन ने एंड किया था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। मान लो आप जैसे कि सवालों को आप कह सकते हो टाइप 1 है ये, तो आपने कहा, मैंने इस तरीके से बोला कि आपने कहा 20% ऑफ 450, ठीक है। देखो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है आप आराम से निकाल सकते हो। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 20 ऑफ, मतलब आपने कहा सर 20% है ये लो ऑफ, मतलब गुणा में आ जाएगा 450 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हो 20/100 और 450। मैंने बोला बच्चों ये 100 क्यों लगाया नीचे आपने, तो आप बोलते हो सर अच्छा लगता है हमें, तो ठीक है। तो अच्छा लगने वाली चीज़ें है ना, बार बार नहीं करते भाई, है ना। तो इसको इससे काटा 45 दूना कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। मैंने कहा इसको इस तरीके से नहीं करना आपको, आपको किस तरीके से सोचना है, क्योंकि आगे जाके अपनी चीज़ें काम आने वाली है। तो आप इस तरीके से करेंगे इसको, देखो भाई आपने कहा सर अगर बात करूँ तो 20% पूछा है किसका, 450 का, तो 450 खुद में कितना है 100%, कितना है 100%। तो आप बोलेंगे ये लो भाई 100% की वैल्यू 450, ठीक है। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपने कहा सर 10% की बात करें तो 10 से भाग दे दो दोनों तरफ, ये हो गया 45, ठीक है। मैंने कितना पूछा 20% 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 को, कितना हो जाएगा 20%, इसको भी 2 से कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 90। इस तरीके से सोचेंगे आप। जैसा कि अगला सवाल की बात करूं तो पूछा गया 30% ऑफ 134, 30% ऑफ 134। अब समझे, आइए 30% ऑफ 134, ये आपका दूसरा सवाल, ठीक है। चीज़ों को समझ के करेंगे, मैंने पहले बताया आप आराम से कर सकते हैं 30 × 134/100 आप कर सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को समझ आ जाइए। 100% की वैल्यू कितनी है 134, कितनी है 134। अब समझे, आपको कहाँ तक जाना है 30% तक, 30% तक जाने के लिए मैंने कहा 10% निकाल लो, 10 से डिवाइड कर देंगे 13.4, ठीक है। तो यानी कि आप कितने तक जाना है, तो तीन से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना, 13 × 3 = 39, 4 × 3 = 12, 1.2 × 39 यानी 40.2 ये इसकी वैल्यू होगी, समझ रहे हैं मेरी बात। आगे चलेंगे, आगे आपको बोला गया 74% ऑफ 560, कितना बोला गया 74% ऑफ 560। अब समझे आप, अब इसके लिए आपको कहाँ तक जाना है, पहले मैंने कहा आपको, देखो कहीं तक जा सकते हैं आप 10% निकाल के फिर 70 तक जा सकते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा, इस बार आपने कहा 100% की वैल्यू कितनी है 560, ठीक है। तो मैंने कहा आपको 74 तक जाना, तो क्यों ना मैं पहले चला जाऊँ 25 पे, तो 25% पे गया, यानी कि 1/4 किया, इसका भी 1/4 करेंगे तो आप जानते हो 14 को 4 से 56 आता है, तो ये हो जाएगा। आपने कहा इसका 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75%, तो ये भी कितना 420, कितना हो गया 420। इसके बाद आप चीज़ों को समझें कि यानी कि आपको 75 यानी कि 74 चाहिए, तो 1% कम कर देंगे, यानी कि किसका भाग दे देंगे इसमें 100 का, तो यानी कि 1% की वैल्यू इसमें 100 का भाग दिया तो 5.6, ठीक है। तो यानी कि आपने कहा सर 74% 75 में से एक वाला माइनस कर देंगे, तो ये कितना 6 पूरा घटा दिया करो, कितना घटाएंगे 6 पूरा घटाए आपके पास कितना बच गया 414,
ठीक है, आपने पॉइंट चार ज़्यादा घटा दिया तो कितना हो जाएगा 414.4, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलेंगे जिस तरीके से बोला गया। अगला सवाल, अगला सवाल आ जाइए भाई, फोर्थ नंबर का। आपसे कहा गया 52% ऑफ, 52% यानी 52% निकालना आपका किसका, 414। 414 का आपको 52% निकालना। कैसे निकालेंगे समझे आप, 52% था ना पहले, मैंने कहा 50% पे चले जाएंगे तो 100% कितना 414, हाफ कर देंगे 50% हाफ किया आपने तो ये कितना हो गया, इसका आप करेंगे तो 207। ठीक है, 207 आ गया। इसके बाद आपको 2% और चाहिए, मैंने कहा पहले 1% निकालो, 100 का भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 4.14, 2% और निकाल देते हैं ये कितना हो जाएगा भाई 8.28। 4 का डबल 8, 14 का डबल 28, 2 को और 50 को जोड़ देंगे तो 52% कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 और 7 215.28, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आप कर सकते हैं 52 × 414 डिवाइड में 100 करके, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान आप देख ही पा रहे होंगे और ऐसे ही आप लोगों को सीखना है। आगे आ जाइए, पाँच नंबर का सवाल अगर मैं बोलूँ तो आपने कहा 21% ऑफ 440, कितना 440 ये है आपके सामने, तो आपको सबसे पहले 20% पे जाना है। ठीक है, तो 20% पे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे सर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। ठीक है, 21% पे जाने के लिए मैंने कहा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.4। ठीक है, अब आप 20% की ओर निकालेंगे यानी 100 में 5 का भाग दे देंगे तो इसमें भी 5 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा भाई 21% इक्वल्स टू ये देखो 92.4, कितना हो जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा 21% कितना हो जाएगा 92.4। आगे चले, आगे देखते हैं, अगला सवाल आपको कहा गया 83% ऑफ 550 यानी 6 नंबर का सवाल, 83% ऑफ 550। अब समझेंगे आप चीज़ों को, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आप लोग चले जाइए, अगर मैं बात करूं तो 100% की वैल्यू कितनी बच्चों 550। ठीक है, मैं चला गया पहले 20% पे, तो 20% पे गया तो ये कितना यानी कि बटे 5, इसमें भी बटे 5 110, समझ गए। इसकी बात करेंगे अपन तो यानी कि 80 तक जाने के लिए 4 गुना कर देंगे तो 80% 4 गुना कर दो कितना आ जाएगा 440। इसके बाद 3% और चाहिए यानी कि 1% की वैल्यू कितनी 5.5। ठीक है, 3 गुना कर देंगे 3% आ जाएगा, ये हो जाएगा 16.5। इस वाले को और इस वाले को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 456 यानी कि 83% कितना हो जाएगा 456.5। बात समझ रहे हैं मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझे, आप 83 × 550 डिवाइड में 100 कर सकते हैं, लेकिन ये अप्रोच अगर आपको आती है तो और चीज़ें आसान हो जाएगी और बैंकिंग में यही अप्रोच चाहिए आपको। ठीक है, समझ गए मेरी बात, आगे चलते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ्रैक्शन वैल्यूज आप याद कर लेना, फ्रैक्शन वैल्यूज याद रहेगी सवाल आसान हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं अपन। आपसे ये कहा जाए कि आपको बताना है सात नंबर सवाल, 37.5% ऑफ, आपको ये बोला जाए 848, कितना बोले 848 का कितना निकालना है 37.5%। तो मैंने आपको ये बताया था कि 37.5 कितना होता है 3/8, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा 848। अगर आपको ये चीज़ चेंज करना नहीं आती तो सोच लो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल। ठीक है, भाग दिया इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है 106 यानी कितना हो गया 318, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलो, 707 का आपको पूछा गया 28:4/7% ऑफ 707, ये आठवें नंबर का सवाल है। आप अपने नोट्स अगर तैयार कर रहे हैं तो टाइप पहला चल रहा है, उसके बाद अपन आगे चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आधार में क्या है 7,
यानी कि 1/7 का मान कितना होता है, 14 से 2/7% दुगुना जब आप इसको कर देते हैं, यानी कि 2/7, तो यानी इसको भी दुगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 28 से 4/7%। बात समझ रहे, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, 2/7 ऑफ मतलब गुणा 707, ये क्या जाएगा 101, और 101 का दुगुना कितना हो जाएगा 202। समझ गए, ये चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें। कैमरामैन वाले भाई साहब बैठ जाते हैं हमारे, ठीक है ना, वो बताते भी नहीं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा है भाई। चले भाई, चले भाई, आगे चलें। इसके बाद बात करते हैं नौ नंबर की। ठीक है, नौ नंबर की बात करते हैं तो 99% निकालना है 162 का, 99% निकालना है और 162। ठीक है, तो भाई इसको गुणा करना तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपने कहा 100% की वैल्यू 162, ठीक है क्या, 100 का भाग दे देंगे यानी कि 1% की वैल्यू कितनी 1.62 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 99%, और ये कितना हो जाएगा पूरा पूरा दो घटा दो, दो घटाए तो 160, 1.38 ज़्यादा घटा दिया आपने, यानी 160.38। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो आपको सीखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दसवें नंबर के सवाल की बात करूं मैं, ये लो भाई दसवां नंबर, दसवां नंबर के सवाल में आपने कहा कि 40 360 का कितना प्रतिशत है। अब आपसे बोला जाए एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप किस तरीके से करेंगे समझो, x बटे y और गुणा में क्या करेंगे 100, यह आपको लगाना है। तो इसने बोला, सवाल ने क्या बोला, 40 360 का कितना प्रतिशत है, तो 40 360 का यानी 40/360। देखो गुणा 100 आप कर दोगे, लेकिन अपन को इतनी चीज़ें पता चल गई है कि 1/9 कितना होता है 11, सही 1/9 यानी कि 11.11%। ठीक है ना भाई, समझ गए, इस तरीके से चीज़ें देखी जाती है। इसके बाद आपको ये बोला जाए, मान लो कि आपसे कहा जाए कि 316 का कितना प्रतिशत है, 316 का, तो आप क्या बोलेंगे 11 नंबर सवाल में, 316 का कितना प्रतिशत है, यानी बटे यानी गुणा में 100, ये क्या 3/16 की अगर मैं बात करने चलूँ, तो आपने कहा 1/16 कितना होता है 6 से 1/4, उसको 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 से 3/4। 1/16 का पता है ना, 1/16 कितना होता है 6 से 1/4%, इसका कितना गुना करना है 3/16, यानी 3 गुना कर देंगे 6 से 18 ऊपर 3/4%, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 18 से 3/4% है कितना 300 का। अगला जो है चीजों को समझे, अगला किस तरीके से बोलता है, आपको बोला जाए किसी संख्या के 20% का मान 44 है, कितना है, तो आपने कहा देखो आप इस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से अप्लाई नहीं करना, माना हुआ संख्या x है, फिर x का मान वो बोलेगा कि x का लिखोगे आप x गुणा 20% बराबर 44 दे रखा है, ऐसे नहीं करना भाई। आपको सीधा सीधा बोला गया कि 20%, अगला सवाल क्या है, जैसे कि 12 नंबर की बोला गया, सवाल सुने, किसी संख्या का 20% 44 है तो वह संख्या ज्ञात करें, तो 20% का मान आपको दिया कितना 44, आपको पहुंचना है 100% पे, संख्या 100% ही होगी तो गुणा 5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 100%, तो इसको भी गुणा कितना कर देंगे 5, यानी 5 चौका 20 कितनी हो जाएगी 220, कितनी हो जाएगी 220 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। अब आपसे आगे क्या कहा गया सुनेंगे, आपसे कहा गया किसी संख्या के 17% का मान 68 है, कितना है 68, तो आपने क्या कहा, 13वां नंबर का सवाल, किसी संख्या के कितना प्रतिशत 17% का मान कितना है 68। अगर बात करें संख्या की तो संख्या निकाल लेंगे, लेकिन सवाल में यह पूछा गया उस संख्या का 52% ज्ञात करें, कितना परसेंट 52%, तो आपने कहा सर 1% की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना पूछा है आपको 52, तो गुणा कर देंगे 52 से, क्या दिक्कत है भाई, 52% गुणा कर देंगे किससे
52 से, अगर गुणा 52 करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, 208। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि आपने 1% निकाल लिया 4, ठीक है, आपको निकालना 52 यानी कि 50% तक गए, 50 से गुणा किया 200, इसका दुगुना कर देंगे 2% 8 हो जाएगा, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 52% का मान 208। क्लियर है सबको, आगे देखेंगे अपन लोग। ये चीज़ें हैं बेसिक बेसिक सी जो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, फिर आगे तो धीरे धीरे चैप्टर पे आ ही जाएंगे ढंग से। चले आगे, आपसे सवाल पूछा गया किसी संख्या का 14% दिया हुआ है 42, उस संख्या का आपको निकालना 66 / 2/3%। आइए, तो आपसे ये कहा गया, देखो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि 66 / 2/3 यूज़ किया गया है, तो आपने कहा कि संख्या का 14% कितना है 42, आपका 14वें नंबर का सवाल है, संख्या का किसी संख्या का 14% 42 है तो 1% कितना हो जाएगा 3, तो आपने कहा 100% कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। आपको पूछा गया इस संख्या का 66 / 2/3%, 66 / 2/3% मैंने आपको बता रखा है कि ये कितना होता है 2/3, तो इस संख्या का कितना निकाल देंगे 2/3, क्या दिक्कत होगी, ये काटा 100, ये कितना हो गया 200 आंसर है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें अप्रोच करेंगे आप लोग ताकि अपन आगे चीज़ें करते रहें। आगे चलें, आ जाओ भाई 15 नंबर का सवाल आपसे क्या कहा गया वो देखते हैं। 15 नंबर का सवाल कहा गया कि यदि किसी संख्या को इसमें बोला गया कि 16.66% बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए 16.66% बढ़ाया जाए, तो वह संख्या प्राप्त संख्या कितनी होती है 350, कितनी होती है 350, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब समझे आप, इस तरीके के सवालों को जब आप अप्रोच करेंगे तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 25% बराबर है 1/4, कितना 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, ये हो जाएगा आपका वास्तविक मान, ये वास्तविक मान हो जाएगा, वास्तविक मान कह दो या संख्या कह दो, ठीक है, 4 का 25% होता है 1, और ये मैं आपको बता चुका हूँ ये होता है प्रतिशत परिणाम, रिजल्ट, क्या होता है प्रतिशत परिणाम यानी कि परसेंटेज रिजल्ट। इसकी बात करेंगे फ्रैक्शन की, ये आपको समझ आनी चाहिए। अब सवाल में कहा गया उस पर चलते हैं, किसी संख्या का 16.66% बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या 350 होती है, कितनी होती है 350, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यह मैंने आपको बता रखा है कि यह 16 / 2/3% होता है और इसका वैल्यू कितना होता है 1/6, यानी यह हो गया आपकी वास्तविक संख्या, यह हो गया आपकी वास्तविक संख्या। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज रिजल्ट, यानी कितना बढ़ रहा है घट रहा है यही तो बताएगा, 6 का जब आप 16 / 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 1। तो आपने कहा देखो भाई ये वास्तविक संख्या हो गई, अनुपातों में लेंगे पहले, ये वास्तविक संख्या और ये नई प्राप्त संख्या, नई प्राप्त संख्या सवाल में दी हुई है कि वो 350 है, कितनी है 350, तो वास्तविक संख्या निकालनी, तो वास्तविक संख्या कितनी है 6। आपने कहा सर 1 की वृद्धि हो गई क्योंकि बढ़ रही है मतलब वृद्धि हो रही है, तो ये कितनी हो गई 7, ठीक है, तो 7 जब हुई तो इसका मान दिया हुआ 350 मतलब कितना गुणा है 50 गुणा, तो ये भी कितना गुणा हो जाएगी 50 गुणा। अब ये कैसे हुआ, अगर आपने सिर्फ 50 गुणा इसको किया है और इसको नहीं किया तो अनुपात बदल के 6:350 हो गया, जो कि बात गलत है, अनुपात कितना रखना है 6:7, समझ गए। बेसिक तरीके की अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिक तरीका इसका कुछ इस तरह होता है, वो समझेंगे आप। आपने कहा माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है x, अब आपने कहा x में जब बढ़ाया जा रहा है कितना, उसी संख्या का कितना बढ़ाया जा रहा है 16 / 2/3, तो 16 / 2/3% गुणा में क्या x प्राप्त क्या हो जा रहा है 350, तो आपको क्या करना फ्रैक्शन वैल्यू से तो फिर भी जाना पड़ रहा है, तो आप कहेंगे x 1/6x और बराबर 350, 6x + 1 कितना हो जाएगा 7x/6 350, ये कटेगा फिर 50 आ जाएगा, x बराबर 50 × 6 कितना हो जाएगा 300, बात तो वही है। तो तरीका समझ ले एक बार आप लोग कि किस तरीके से बेसिक, क्योंकि बेसिक से जब आप जा रहे हैं
तो परसेंटेज फ्रैक्शन से तो होकर गुजरना पड़ रहा है, तो यहाँ से भी आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऊपर वाला परसेंटेज रिजल्ट घटना या बढ़ना होगा। ठीक, तो सवाल आपके सामने आया किसी संख्या का 6 से 2/3% जब उसी संख्या में से घटाया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त संख्या 56-70 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 56-70। तो आप बताइए कि वो संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, आ जाओ, 6 से 2/3% क्या की जा रही है, उसी संख्या घटाई जा रही है, और ये कितना होता है जानते हैं आप, 1/15। ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या और ये हो गया आपका घटाने वाला, इस बार माइनस लगाएंगे परसेंटेज रिजल्ट। देखो आप x मानोगे तब भी आपको ये करना ही पड़ेगा कि x माइनस x का कितना, 6 से 2/3% और वो बराबर है किसके, 56-70 की, समझ रहे? तो इससे बेटर कि आप यही कर लें। तो आपने कहा सर अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल नंबर की और आपने कहा न्यू नंबर की, ठीक है, न्यू नंबर की और ओरिजिनल नंबर की अगर मैं बात करने चला जाऊँ तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 15, 1 घटा, अब कितना रह गया, 14। ये तो रेशियो में, अनुपात में, वास्तव में कितना रहा, तो वास्तव में ये इतना रहा भाई, देखो ये कितना हो गया, 56-70 रहा, तो 56-70 का मतलब ये हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा, 105 को गुणा कर देंगे इसको, ये कितना 15 × 5 = 75 और ये कितना हो जाएगा भाई, 15 × 5 = 75, 7 चला गया 7, ये कितना 15 × 15। तो आपने कहा सर इसकी बात करेंगे अपन, ये 405 आएगा ना, 405, तो ये भी कितना हो जाएगा, 405, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 4, देखो 15 × 5 = 75 का 5, 7 × 7 जाएगा और 15 × 4 = 60, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 60-75। तो ओरिजिनल वास्तविक संख्या कितनी है, 60-75। आगे चले, अब बोला गया किसी संख्या में, किसी संख्या में जब 11 से 1/9 जोड़ा जाता है उसी संख्या का, कितना 11 से 1/9, तो वह संख्या 810 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 810 आ जाइए। यानी कि आपने कहा 11 से 1/9%, तो आपने कहा 1/9, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 18वां या 19वां सवाल चल रहा है, एक बार आप देख लेंगे। ये हो जाएगी वास्तविक संख्या और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज रिजल्ट, इस बार ऐड कर रहा है तो इस बार आप भी ऐड कर देंगे, यानी ओरिजिनल अगर नंबर की बात करूँ, अनुपात लूँ न्यू नंबर के साथ, ठीक है, तो आपने कहा ओरिजिनल नंबर कितना है, 9 अनुपात, नया नंबर कितना है, 10, ठीक है। आपने बोला जब वो संख्या में 11 से 1/9 जोड़ा जाता है तो संख्या 810 हो जाती है, यानी कि 810 इसकी वैल्यू तो कितना गुणा है, 81, यहाँ से कितना, 81, ये देख नहीं रहे आप, 9 का क्यूब हो गया यानी कितना हो जाएगा, 729, यानी आपकी वास्तविक संख्या कितनी है, 729, बात समझ आ रही है। आगे चलो, आगे वाला सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, बहुत बार आया भी एग्जाम्स में से सवाल, आपसे आगे वाला सवाल कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या में आप जोड़ते हैं 28, कितना जोड़ते हैं 28, तो वो संख्या खुद की कितनी हो जाती है, 157:1/7%, कितनी हो जाती है, 157:1/7%। तो अगर मैं इसकी बात करूं 1/7, तो आपने कहा कि सर 157:1/7% हो जाती है खुद की, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से होकर जाना पड़ेगा। बेसिक से पहले बता देता हूं, माना वह संख्या, वह संख्या आपने कहा x है, जब आपने कहा x में कितना जोड़ा, 28, कितना जोड़ा, 28 जब आपने जोड़ा तो वो संख्या खुद की यानी x की कितनी हो गई, 157 से 1/7, यानी फ्रैक्शन वैल्यू से तो जाना पड़ रहा है आपको, तो आपने कहा x प्लस 28 बराबर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू को सोल्व करना है तो आधार में क्या है, 7, तो यानी 1/7 से संबंधित है, 1/7 कितना होता है, 14 से 2/7, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, कितना 100% प्लस 57 से 1/7, ये तो हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ तक जाने के लिए 14 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4/7, इसको भी जैसे आप 4 से गुणा करेंगे वैल्यू बदल के क्या आ जाएगी, 57 से 1/7। तो आपने कहा सर इसका मान कितना हो जाएगा, 1
यानी कि 7 × 11/7। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया 11/7, इस x को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4x/7 = 28। ये हो जाएगा 7 बार, x बराबर कितना 49, कितना हो जाएगा 49। आपको बेसिक से जाना पड़ रहा है तो फ्रैक्शन से होते हुए जाना है। अब समझेंगे आप, फ्रैक्शन आपने निकाल ली 157 से 1/7 की कितनी होती है 11/7, ठीक है। तो आपने कहा ये लो जी 11/7, यानी 11/7, यानी ओरिजिनल नंबर कितना है 7, उसमें कुछ ऐड किया होगा तो कितना बन गया 11, यही तो कहना चाह रहे। कितना ऐड किया आपने, तो आपने कहा सर 4 इकाई आपने इसमें ऐड किया है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 28, 28। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। कितनी यूनिट की चाहिए, ओरिजिनल नंबर तो ये है ना, ये तो न्यू नंबर है जब ऐड करने के बाद का। तो आपने कहा सर 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7 × 7, यानी कि हो जाएगा आपका 49। क्लियर है सबको, ये चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब देखो आगे क्या कहना चाह रहा है, जब कहना चाह रहा है कि 930 को जब किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद की कितनी हो जाती है 444 से 4/9। आ जाओ तो देखो भाई, संख्या हो जाती है खुद की कितनी 444 से 4/9। % ये मैंने आपको सोल्व करना बताया कि आप इसको लिखेंगे 400 का 4 लिखेंगे और ये 4/9 है, यानी कि ये हो जाएगा कितना देख रहे हैं 40/9, ठीक। यानी 9 कोई ओरिजिनल नंबर था आपके पास, उसमें यूनिट जोड़ दी कितनी 31, कितनी जोड़ दी भाई 40, तभी बढ़ेगा ना जब आप 9 में कितना जोड़ेंगे 31। तो 31 यूनिट की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है, कितना जोड़ रहा है 930, कितना जोड़ रहा है 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, ठीक है। पूछा क्या है 9 यूनिट, वास्तविक संख्या पूछिए तो 9 यूनिट निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 9 × 30 270, यही आंसर हो जाए, ठीक है। आगे अपन देखेंगे किस तरीके से चीज़ें चेंज होती है, आगे अपन पढ़ेंगे, आ जाइए भाई। तो इस तरीके से सवाल को पूछा गया आपसे, अब आपको कहा गया कि जब किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए, ऐसे मान लो जब किसी संख्या में, मान लो वो पहले ये कहना सवाल में से लिखा गया कि संख्या खुद की कितनी हो जाती है 371 सही 3/7। तो यानी कि आप कह सकते हैं इनको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो भाई 300 का 3 तो ये आ जाएगा, तो पहले से पता चल गया 3, तो प्लस ये कितना 71 सही, ये कितना 5/7 आ जाएगा। तो यानी कि वो कहना चाह रहा है जब किसी संख्या में 95 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है 95, तो वह संख्या खुद की कितनी हो जाती है 371 सही 3/7%। तो आपने बोला सर सही है, 7 × 21 = 5 = 26/7, ठीक है। तो आपने कहा सर 7 में कितना यूनिट जोड़ा 19, ठीक है। तो जब 19 यूनिट जोड़ा तो वो संख्या कितनी है 95, जब 95 जोड़ रहा है ना संख्या कितनी होगी वास्तविक संख्या, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा कितना 5। तो यहाँ पे आपने वास्तविक संख्या यानी 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7 × 5, यानी कि वो वास्तविक संख्या क्या है 35। इस तरीके के सवाल आप देखेंगे, सवाल जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अपन यही चीज़ें हैं जिनको, ये दो टाइप के सवाल हो चुके हैं आपके, एक टाइप जो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से कैसे आप वैल्यूज निकालेंगे, और ये कैसे कि नंबर्स पे बेस्ड आते हैं और ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को ढंग से पढ़ाई करें, चीज़ों को देखते रहें, ठीक है, और यूं ही पढ़ते रहें, और यूं ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ बनिए रहिए, ठीक है। तो अपन ऐसे मेहनत करते रहेंगे, एक दिन सफलता अपन को ज़रूर मिलेगी, ठीक है भाई। और कंपटीशन को आसान बनाने आए हम लोग, आप अगर हम लोग आपके लिए आए हैं, इतना रास्ता आपके लिए, मतलब अगर दूर दूर सुदूर जो क्षेत्र हैं उन पे पहुंच नहीं पाती है चीज़ें, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर मान लो उनके फ्रेंड वगैरह ये जो है उनको वीडियो दिखाएं ताकि वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें और सिलेक्शन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नौकरी पा सके, समझ रहे। सिलेक्शन लेना बिल्कुल आसान है, आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए कि बहुत मुश्किल हो गया है, इतना चीटिंग होने लग गई है, वो कुछ नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, वही आपको अपना रिजल्ट देगा, समझ पा रहे। यहाँ मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो सीखते रहे, लेकिन जब तक आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें नहीं सीख पाएंगे आप, ठीक है।
तो घर पे जो भी कोई भी आपकी बुक है उससे निकालिए, नोट्स बनाइए, सॉल्यूशन परसेंटेज चालू हो गया तो परसेंटेज आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। उसके वजह से तो मैं कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं जहाँ तक उनकी पूरे की पूरे डाउट आपके बोर्ड पे क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई एक आधा डाउट आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और परसेंटेज जैसे खत्म होगा कुछ एक आपको प्रैक्टिस सेट में डाल दिया करूंगा, ठीक है भाई। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ अपन एक बार फिर से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अपन कल, ठीक है भाई। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इसको वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच।